देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुस्लिम समुदाय के बच्चों ने लिया परमात्म ज्ञान। हाल ही में बिहार के मधुबनी स्थित जयनगर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के विशेष बच्चों एवं भाई बहनों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा परमात्म ज्ञान लिया। जी हां, दरअसल बिहार राज्य के मधुबनी जिले के जयनगर क्षेत्र से बासापट्टी छोटी मस्जिद और जुलूस मोहम्मदी मदरसा में संस्था के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों के सेवन द्वारा होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से अवगत कराते हुए स्वयं की असीम शक्तियों की ओर ध्यान खिंचवाया एवं राजयोग का अभ्यास कराते हुए इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में सामूहिक प्रतिज्ञा भी कराई। अंत में मोहम्मद नासिर बरकती जी ने आवाम सहित सभी बच्चों से खुद को इस बुराई से बचने के लिए अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। मस्जिद में कार्यक्रम के उपरांत कई भाइयों ने नशीले पदार्थों का सभी के सामने त्याग करते हुए जीवन भर इन्हें हाथ न लगाने की शपथ भी ली। साथ ही अपने दोस्तों को नशे से बचने एवं समाज में बदलाव लाने का भी वायदा किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्थानीय सेवा केंद्र से बीके रीना, बीके पूजा और बीके विजय समेत कई बीके सदस्यों का योगदान रहा। सोचने की बात यही है कि अगर इंसान अपने ऊपर अगर ये अपने दिल में ठान ले कि हमें ये चीज इस जहर से बचना है तो इंशाल्लाह ताला इन बच्चों में कुछ न कुछ तब्दीली आएगी आगे चल के। अगर ऐसा ही कार्यक्रम हर जगह चलता रहा तो ये देश में बहुत बड़ा सुधार आएगा। हमारी जो मानवता जाती है वो बर्बाद हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा महिला को आगे आना चाहिए क्योंकि महिलाओं को सबसे बड़ा दुख है इस बात से। बहुत सारे जगहों पे आप वीडियो में देखते हैं, मोबाइलों में देखते हैं कि मर्द शराब पीकर आता है और सबसे पहले जो अत्याचार करता है वो औरतों को करता है। तो औरतों को चाहिए इससे आगे आना चाहिए और औरतों को चीजों से मर्दों को बचाना चाहिए। साक्षात लक्ष्मी नारायण और उनकी 8 पीढ़ियों से सजा मंच। बेंगलोर के बसवानागुड़ी सेवा केंद्र पर विशेष दिवाली के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेवा केंद्र पर साक्षात लक्ष्मी नारायण एवं उनकी 8 पीढ़ियों से सजा मंच अपने आप में सतयुग को जीवंत करता नजर आया। वरदानी भवन में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों बीके सदस्यों ने सिर पर ताज और देवी देवताओं का परिधान लिया। सभी बहनें श्री लक्ष्मी समान तो वही सभी भाई श्री नारायण के भांति सजे सजाए देवताओं की तरह प्रतीत हुए। मंच पर लक्ष्मी नारायण एवं उनकी 8 पीढ़ियों के साथ सामने बैठे सभी बीके सदस्य ऐसे लग रहा था मानो सतयुग में देवी देवताओं की सभा चल रही हो। मुख्य अतिथि के तौर पर IPS मालिनी कृष्णमूर्ति ने कार्यक्रम में शिरकत कर अपने विचार भी रखे। स्थानीय प्रभारी बीके अंबिका के निर्देशन में हुए इस आयोजन में बीके बहनों ने भी आत्मस्मृति का दीपक जलाकर कुछ क्षण योग कर विश्व में शांति का दान दिया। अंत में सभी के द्वारा केक कटिंग कर एवं दीप प्रज्वलन कर खुशियां मनाई गई। बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। सभी ने अपने अंदर देवी देवताओं समान दैवी गुण धारण करने का संकल्प भी किया। आई एम वेरी वेरी होपफुल एंड वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस एसोसिएशन विल मेक ऑल ऑफ अस not only better persons on our own personal level, but we contribute to the society also by making the society for better. Because unless the entire society is also better, it affects all our personal and social lives too. संत महात्माओं द्वारा बीके मुकेश का सम्मान। गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के पावन पर्व पर अयोध्या जानकी घाट बड़ा स्थान पर राजयोग शिक्षक बीके मुकेश को अयोध्या के अनेक संत महात्माओं एवं श्री श्री 1008 वसिक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर एवं भारत साधु समाज के मंत्री महंत जन्मेजय शरण के तत्वाधान में आध्यात्मिक समाज सेवा के उपाधि से बीके मुकेश को सम्मानित किया गया। अवसर पर उन्हें श्री राम की प्रतिमा भी भेंट की गयी। कार्यक्रम में अनेक पत्रकार भाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मौजूद रही। बाल दिवस के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा गया। सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या ने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा कि जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच रहते हुए भी खिला रहता है, जिससे हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि संस्कार में कैसे भी परिस्थिति हो, दुख हो, लेकिन हमें भी इन सभी का सामना करते हुए खुश रहना है और हमारा मन खुश तभी रह सकता है जब मन शक्तिशाली होगा। बीके विद्या द्वारा बच्चों को राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। जिन्होंने अपने दिनचर्या की सेटिंग कर ली वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए दिनचर्या की सेटिंग करना बहुत जरूरी है। साथ साथ हमें सुबह उठकर सबसे पहले मन में सकारात्मक सोच लाने के लिए किसी अच्छे साहित्य का अध्ययन
मंथन करना है। कार्यक्रम में चिराग सोशल वेलफेयर सोसाइटी के डायरेक्टर मंगल पांडे, छत्तीसगढ़ प्रचार एवं विकास संस्था के डायरेक्टर अनिल मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता वंदना दत्ता, सरस्वती शिशु मंदिर की प्राचार्य मीरा साहू, प्रधाना पाठक सुप्रिया समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। मोबाइल सीखना, मोबाइल चलाना बहुत अच्छी बात है, उसके टेक्नोलॉजी को समझना हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन पूरे दिन मोबाइल देखना हमारे आँख और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो आप सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। हम पढ़ाई लिखाई में एकदम आगे रहें ये अलग विषय है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा बेटा बनिए, एक अच्छा शिष्य बनिए, एक अच्छा भाई बनिए, एक अच्छी बहन बनिए। हम जिस रिश्ते में हैं, जिस भूमिका में हैं, हम वो बने। अपने कोई साथी अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको साथ दीजिए, पढ़ाइए, है ना। अगर आपके पास 10 कपड़े खरीद रहे हैं आपके परिवार के लोग और कोई ज़रूरतमंद बच्चा है उसके पास एक भी कपड़ा नहीं है, तो आप उनको भी सहयोग की भावना रखिए, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रखेंगे तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के गुलजार उपवन में भी दिवाली का अनोखा नजारा देखने को मिला। गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी, तो वही स्थानीय प्रभारी बीके मंजू ने सभी को पर्व का महत्व बताते हुए अपनी बुराइयों का त्याग कर अच्छे गुणों को धारण करने का सभी से संकल्प कराया। एक दिया श्री बाबा हाँ, सदा जागती ज्योत उसको कहा जाता है। भक्ति में भी सदा जागती ज्योत उस निराकार शिव परमपिता परमात्मा को ही मानते हैं, तो वो सदा जागती ज्योत है। मुंबई में आनंद नगर दहीसर ईस्ट सेवा केंद्र पर भाई दूज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कांदीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने विशेष भाई दूज की सभी को बधाई देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भारतीय क्रिकेट टीम के बैट्समैन रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड उपस्थित रहे। बीके राज ने दिनेश लाड का शॉल और श्रीफल द्वारा सम्मान किया तथा स्थानीय प्रभारी बीके विलास ने ईश्वरी सौगात भेंट की। हरियाणा के रोहतक स्थित शीला बाईपास सेवा केंद्र पर नेशनल प्रेस डे के अवसर पर एक मीडिया सेमिनार का आगाज हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर रोहतक डीपीआरओ संजीव सैनी तथा पेंशनर समिति के प्रेसिडेंट देवराज, वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन कथुरिया भी उपस्थित रहे। संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत ने कहा कि आध्यात्मिकता को आधार बनाकर उत्तम श्रेणी की पत्रकारिता की जा सकती है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा ने कहा कि समाचार पत्रों में नियमित रूप से श्रेष्ठ विचारों का कॉलम प्रकाशित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर स्थित खड़गपुर सेवा केंद्र पर बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना, स्थानीय प्रभारी बीके मानसी, चैपट सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरस्वती, राजयोग शिक्षक बीके धनंजय समेत अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में करीबन 100 बच्चों को जीवन में आध्यात्मिकता द्वारा एकाग्रता बढ़ाने की प्रेरणाएं दी गई। अलग अलग गतिविधियां कराने के साथ ही सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।